मेहरानगढ़, सूर्य का किला। जोधपुर विश्व भर में नीली नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सदियों पहले ब्राह्मणों ने अलग दिखने के लिए अपने घरों को नीला रंगवा लिया था और ये परंपरा आज भी बरकरार है। जोधपुर मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी था, जो अब राजस्थान का हिस्सा है। 20वीं सदी की शुरुआत में मारवाड़ करीब 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, यानी स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स के मिले जुले क्षेत्रफल से भी बड़े इलाके में। मारवाड़ थार रेगिस्तान तक फैला था। पूर्व और पश्चिम की कीमती चीजें मध्य एशिया और यूरोप के बीच मौजूद ग्रेट ट्रेड रूट पर यहीं से होकर जाती थीं। मारवाड़ पर राज था राठौड़ वंश के सूर्यवंशी राजपूतों का, और इसी वजह से उन्होंने अपने गढ़ का नाम रखा मेहरान, जो संस्कृत शब्द मिहिर यानी सूर्य से बना है। लेकिन मारवाड़ और उसके सूर्य दुर्ग के निर्माण के पीछे है एक लंबी कहानी। राठौड़ मारवाड़ के मूल निवासी नहीं थे, वो मध्य भारत से आए थे। राव सिहाजी इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। वही अपने पूरे कुनबे के साथ मारवाड़ में आए थे। करीब 800 साल पहले राठौड़ रेफ्यूजीज की तरह मारवाड़ पहुंचे। उन्हें अपना घर कन्नौज अफगान हमलावर मोहम्मद गोरी के हमले के बाद छोड़ना पड़ा। एक पेंटिंग के मुताबिक 1226 में वो एक नई जिंदगी की तलाश में पश्चिम की ओर निकले। कई साल बाद मारवाड़ पहुंचे और समय के साथ वहां के शासक बन गए। सन 1459 में राठौड़ राजा राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण शुरू करवाया। राव जोधा को लगा कि अब अपना किला और अपनी राजधानी बनवाने का समय आ गया है। उन्होंने इस इलाके में तफ्तीश शुरू की। उनकी नजर एक पहाड़ी पर पड़ी जिसका नाम भाकर चिड़िया यानी पक्षियों का पहाड़ था। बीहड़ रेगिस्तान में वो एक विशाल मीनार की तरह खड़ा था। भाकर चिड़िया पहाड़ 400 फुट ऊंचा सीधी चढ़ाई वाला एक लुप्त ज्वालामुखी था, रणनैतिक रूप से बेहतरीन। लेकिन इस पर किला बनाने का मतलब था इस विशालकाय पर्वत से लाखों टन चट्टानों की कटाई। शुरू हो गई इंसान और पहाड़ के बीच जंग। खंडवालिया समाज, जिनके पास होता है एक खास हुनर, स्थानीय लोग पत्थर को खंड भी कहते हैं, और ये इन खंडों के बड़े अच्छे जानकार थे। स्थानीय ज्ञान और मामूली औजारों से शुरू हुआ एक महानिर्माण। ये लोग पत्थर को ठोक कर उसके वाइब्रेशन की आवाज सुनते, जिससे उन्हें पता लग जाता कि चट्टान में फॉल्ट्स कहाँ हैं। फॉल्ट्स मतलब चट्टान में पड़ी वो दरारें जो उसे कमजोर बनाती हैं। खंडवालिया लोगों ने आवाज सुनकर चट्टान की दरारों का पता लगाने का हुनर पीढ़ियों से सीखा था। धीरे धीरे खंडवालियों के हुनर ने पर्वत को काट कर एक नया आकार दे दिया। उनके अलावा एक और खास समाज था जो एक दूसरे काम में माहिर था, भारी चीजों को उठाने में। चवालिया मध्यकाल के ढुलाई करने वाले थे, जो साधारण दंड और जंजीरों की मदद से भारी सामान भी ढो सकते थे। इसके बाद बने लकड़ी के अनूठे रैंप्स, जिनके जरिए किला बनाने के लिए लाखों टन पत्थर पहुंचाए गए। मेहरानगढ़ किले को अंजाम तक पहुंचाया चवालिया लोगों की कड़ी मेहनत ने। हैरानी की बात तो ये है कि इस इमारत की कोई ड्राइंग या नक्शा नहीं था। इसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग शायद उनके अपने ज्ञान पर आधारित थी। आर्किटेक्चर का ये बेमिसाल नमूना पूरे पहाड़ पर फैला हुआ है। कई अलग अलग लेवल्स पर इसके परकोटे बने हैं। एक के बाद एक कई दीवारें इस किले को सुरक्षा प्रदान करती थीं। इस किले के अंदर शाही खानदान के अलावा एक मुस्तैद सेना भी रहती थी। दुश्मन को दुर्ग से दूर रखना सबसे जरूरी काम था। इसकी मोटी दीवारें तोप के गोलों का भी सामना कर सकती थीं। मेहरानगढ़ की ऊंचाई रणनीतिक सुदृढ़ता के साथ साथ दूर तक निगरानी की क्षमता भी देती थी। 5 सदियों से भी ज्यादा में 25 राठौड़ राजाओं के अधीन मेहरानगढ़ का स्तर और खूबसूरती दोनों बढ़ते गए। ये किला सिर्फ विशाल ही नहीं है, इसके अंदर एक नाजुक दिल भी है।
महल, खूबसूरत बाग, कला, ये है राजपुताने की शान की एक अनुपम मिसाल। लेकिन कला का विकास मारवाड़ के समृद्ध रहने तक ही सीमित था, और समृद्धि रक्त और बलिदान मांगती है। मरते दम तक लड़ने के लिए युद्ध में जाने से पहले राजपूत योद्धा केसरिया अनुष्ठान करते थे, सबसे बड़े बलिदान का प्रतीक। ये बहुत ही दुखद रस्म थी। जब राजपूतों को लगता था कि हालात उनके खिलाफ हैं और जीत संभव नहीं, तो आत्मसमर्पण की बजाय ये उनकी आखिरी जंग होती थी। उन्हें मौत कबूल थी, अपमान नहीं। राठौड़ राजा अपने योद्धाओं के साथ बैठते, अपने शाही हाथों से अपने वीरों को एक नशीली दवा देते थे। इसके बाद वो अपनी खूबसूरत पगड़ियां उतार देते और उसकी जगह कुर्बानी के जज्बे को बढ़ाता केसरिया साफा बांध लेते। लोग अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपनी तलवार महाराजा के सामने रख देते, फिर उसके ऊपर एक टीका लगाया जाता था। इसके बाद वो अपने आखिरी युद्ध के लिए निकल पड़ते। सन 1741 में मेहरानगढ़ के ये राठौड़ अपनी मौत को गले लगाने गंगवाना के युद्ध के लिए निकले। राजपूताना खून की यही शान थी। इनके शौर्य की गौरव गाथा आज भी सूर्य दुर्ग मेहरानगढ़ में शान से गूंजती है।